आज ना मैं आपको भटूरे के साथ जो छोले खाए जाते हैं उसकी रेसिपी बताती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने छोले जो है ना उबाल करके रखे हैं। देखिए इसमें कोई आंवला नहीं डालूंगी, कोई अनार के छिलका नहीं डालूंगी, कोई चाय की पत्ती नहीं डालूंगी, कोई कलर नहीं डालूंगी, लेकिन बिना सब चीज़ें डाले हुए हमारे छोले एकदम परफेक्ट बनेंगे। जो काले काले होते हैं ना कलर वाले छोले, वो इस तरीके से बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कढ़ाई में लिया है तेल, सरसों का तेल लिया है। इसी के साथ मैंने एक बड़े साइज की प्याज को कट करके डाला हुआ है। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक चमचे में ये प्याज वाला तेल ले रही हूँ और इसमें डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च। और इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा रेड कलर आएगा ना, तो देखने में और भी मज़ेदार रहेंगे। यहाँ पे मैंने प्याज, लहसुन और मैंने पीस के रखे हुए हैं यहाँ पे अनारदाना। उस अनारदाना डालने से क्या होता है, हमारे छोले एकदम बिल्कुल मार्केट वाले बन करके तैयार होंगे। और तीन मैंने लिए थे इसमें टमाटर, टमाटर की भी पेस्ट बना ली है। सभी चीज़ों को मैंने बारीक करके पीस लिया है और इसी के साथ मैंने अदरक भी डाला था इसमें। जो पेस्ट बना करके तैयार करी है ना, वो मैंने पहले ही पीस ली थी, तो वो हमारी पेस्ट बन करके तैयार है। अब यहाँ पे देखिए मैंने सभी चीज़ें डाल दी है, मतलब जो पेस्ट बनाई थी हमने वो सब चीज़ें डाल दी है। मैं डालूँगी कुछ मसाले, जिसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालना है और नमक डालना है टेस्ट के अनुसार। हल्दी पाउडर को हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसमें ब्लैक सा कलर जो आता है ना, वो ब्राउन ब्राउन से छोले होते हैं उस तरीके का कलर चाहिए। इसी के साथ मैंने धनिया पाउडर और मैंने डाला है भुने हुए जीरे का पाउडर। इन्हें अच्छी तरीके से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरीके से भुनने देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और मसाले के साथ में भून लेंगे। तो यहाँ पर सभी मसालों को अच्छी तरीके से भून लेना है पहले। ये देखिए मसाला हमारा भुन करके तैयार है। मसाले में से ऊपर एकदम कलर आ गया है भुन करके, मतलब कलर बिल्कुल पहले से ज़्यादा चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी, जो इसकी जान शान है छोलों की। तो उसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने डाल दी है इस तरीके से। और मेरे पास है ये 2 से 3 उबले हुए आलू, उन्हें भी बस हाथों से इसी तरीके से मैश करके थोड़ा सा डाल देंगे। मतलब ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का मोटा बारीक इस तरीके से मोटा करके इस तरीके से तोड़ के डाल देते हैं। तो 2 से 3 आलू लिए हैं, चाहे तो आप इन्हें छोले के साथ उबाल सकते हैं, लेकिन मेरे ये पहले से उबले हुए रखे थे तो मैंने वही डाले हैं। तो इनसे क्या होगा, थोड़े से क्रीमी से मसालेदार हमारे ये छोले बन करके तैयार होंगे। तो आलू को अच्छी तरीके से मसाले के साथ में मिक्स करेंगे और जो छोले हमने उबाल के रखे थे ना वो डाल देंगे। अब क्या हुआ कि मैंने जब छोले डाले तो कढ़ाई मेरी छोटी पड़ गई। अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, मतलब दूसरे पैन में बदल लेती हूँ, मतलब दूसरे पैन में पलट लेती हूँ छोलों को। और इन्हें छोलों को पलटने के बाद देखिए इसमें पानी नहीं है क्योंकि ये सूखे हैं, तो मैं इसमें क्या करती हूँ पानी को ऐड कर देती हूँ। आप इसमें 1 से 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। आप चाहे तो क्या नाम, अपने हिसाब से ग्रेवी जितना रखना चाहते हैं ठीक, या ग्रेवी वाले जितना भी रखना चाहते हैं आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, नमक डाला है, काला नमक डालूँगी थोड़ा सा इसमें, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे मसालों के साथ में। अच्छे तरीके से हमें ये पका लेना है चलाते हुए, 2 से 3 बार इस तरीके से चलाते रहेंगे और इसे अच्छा उबाल आने देंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने डाला है गरम मसाला और उसे भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने ढक करके पकने दिया था 1 से 2 मिनट के लिए। 1 से 2 मिनट के बाद में देखिए छोले हमारे एकदम क्रीमी जैसे बन करके तैयार हैं। इसकी पहचान यही है कि जो हमने तेल डाला था ना वो तेल अच्छी तरीके से ऊपर आ गया है। लेकिन हमें मार्केट वाले छोले चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े से तेल के अंदर हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो वो जल जाएंगे, कड़वा टेस्ट आ जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। अब देखिए जो मैंने ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च वाला तेल डाला है ना, उससे देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। बस ऊपर से इसी तरीके से डाल देंगे। हलवाई लोग भी क्या करते हैं, वो ऊपर से तेल पका हुआ डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च का, उससे क्या होता है कि ऊपर से रेड रेड कलर आता है, मतलब कि एकदम तेल इतना देखने में मज़ेदार लगता है ना कि बस देखते ही ये मन करता है खाना स्टार्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और डाल देती हूँ अदरक के लच्छे और 1 से 2 हरी मिर्च, जिसको मैंने एक मिर्च में से 2 पीसेस ऐसे कट कर दिए हैं, और थोड़े से अदरक भी डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा हमारे छोलों में टेस्ट आ जाएगा। जब आप इसे छोलों को उबल जाए ना तभी, मतलब कि खद्दा आ जाए तभी इसे में ये सब चीज़ें डाल दीजिएगा और इन्हें अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट के लिए और पका लीजिएगा, जब तक आपको ग्रेवी अपने हिसाब से पकना जाए। बस इन्हें ढक करके पकने दीजिए और ये लीजिए गर्मा गर्म हमारे छोले बन कर इसे भटूरे के साथ या पूरी के साथ में सर्व कर